लेकिन वाहरे हुसैन, अगर समझ गए हो तो बोल दो। वारे मेरे हुसैन, जंग लड़ी हजारों साल पहले, और आज भारत के बच्चे बच्चे के जबान पर है मुहर्रम में जंग हो गई। बच्चे बच्चे को याद है, मोहब्बत से बोल दो, जोर से, जोर से। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। सिर्फ मौला अली हूं और सैयदना अबू बकर ना हूं। प्लीज जो कुछ करना घर पे जाके करो, नहीं ऐसे नहीं मैं तकरीर कर पाऊंगा। अब मैं तकरीर कर रहा हूं, आप लोग बैठ कर हिसाब कर रहे। एक वक्त दो काम नहीं हो सकता। बोल दो या हुसैन, या हुसैन। तवज्जो चाहो, मैं क्या कह रहा था, सिर्फ सैयदना मौला अली हूं, सैयदना अबू बकर न हूं। इसका नाम इश्क अहले बैत नहीं है। और जहां सिर्फ सैयदना अबू बकर हूं, हसनैन करीमैन न हो, तो इनका इसका नाम हुब्बे सहाबा नहीं है। और जहां सिर्फ फारूक आजम हो, उस्माने गनी ना हो, तो ये मोहब्बते मोहब्बते सहाबा नहीं है। और जहां सिर्फ उस्माने गनी हो और सैयदना मौला अली ना हो, वो इश्क मुस्तफा नहीं है। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। कुछ लोग ऐसे हैं जहां सिर्फ मौला अली है। तवज्जो चाहूं, इशारा इशारा। जहां सिर्फ मौला अली है, अबू बकर नहीं, फारूक आजम नहीं, उस्मान गनी नहीं, मौला अली नहीं, सैयदना मीर मुआविया नहीं, लेकिन मेरे मेरे इमाम इमाम मोहम्मद रजा, इसके अहले बैत का तनहा मीनार, जहां मौला अली भी है, अबू बकर भी है, फारूक आजम भी है, उस्मान गनी भी है, हसनैन करीमैन भी है, अली ये मुर्तजा भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब इसको रोक लो इसी जगह। जंगे बहुत हुई, लेकिन हर लड़ने वाला चाहता है कि उसके इलाके का मैदान हो। ये कौन सी जगह है? सादीपुर, कबीराज टोला। सादीपुर, कबीराज टोला, बहुत लंबा नाम है। चलो अच्छा है, सादी पहले लगाया ना, कभी रास रहे न रहे शादी रहना चाहिए। मान लो शादी कबीराज टोला का कोई नौजवान कलिया चक में, मालदा में, खालतीपुर में, या तुम्हारे फरक्का में,
से गुजर रहा हो उसको 10-20 लड़के घेर ले तो उस वक्त वह लड़का क्या बोलता है? मैं मानता हूं कि अपने दरवाजे का हर कुत्ता शेर होता है। तवज्जो चाहो, यानी तुम अपने दरवाजे पर हो तो जो चाहो कर लो। आंखें खोल तो बलियावी की गुफ्तगु समझ में आएगी। तवज्जो चाहो, जंगों का फलसफा ये कि मैदान फेवर का हो, सामान सब महफूज हो, हर एतबार से सुटेबुल हो, रिश्तेदार भी करीब में हो, राशन भी मौजूद हो, रसद और पानी भी महफूज हो, ताकि पूरे इत्मीनान के साथ जंग लड़ी जाए। अजनबी मैदान में उतरने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना, अभी इसको यहीं रोक लो। उलमाए कराम की तवज्जो चाहो, बोलोगे तो लिंक जुड़ जाएगा, अच्छी गुफ्तगू सुन लोगे, बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दूंगा, रंग में आकर बोल तो बोल दूंगा। गोया फितरत ये कि लड़ने वाला अपनी मर्जी और अपने मुआफिक मैदान चाहे। सवाल ये उठता है मेरे हुसैन, अजमतों के एतबार से मक्का सबसे अफजल था, बरकतों के एतबार से मदीना सबसे अफजल था, मक्का सबसे अफजल, मदीना सबसे अफजल। अजमतें देख ली मक्के में, देख अहले स्टेज की तवज्जो चाहो, दिल लगाएंगे तो कुछ इल्मी गुफ्तगू आ जाएगी। अजमतें देख ली मक्के को, देख मुस्तफा तशरीफ लाए मक्के में, खाने काबा का वजूद हुआ मक्के में, काबे सबसे पहले फरिश्तों की जमात उतरी मक्के में, जो सबसे पहले तवाफ किया फरिश्तों ने मक्के में, इस्लाम का ऐलान हुआ मक्के से, मक्के से गोया इस्लाम के ऐलान की जगह मक्का, मुस्तफा की यामत की जगह मक्का, तौहीद के ऐलान की जगह मक्का। और आज पूरी दुनिया का ईमान वाला जिस किबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़े, वो किबला भी, जोर से बोल दो, मोहब्बत से बोल दो, अरे प्यार से बोल, मक्का। सवाल ये उठता है मेरे हुसैन, इस्लाम की अजमत के लिए नाना से वादा किया तो निभाना ही था, तो ये वादा मक्के में क्यों नहीं निभा दिया? तवज्जो चाहो, ये वादा मक्के में क्यों नहीं निभा दिया? ये वादा मदीने में क्यों नहीं निभाया? करबला क्यों, मक्का क्यों, करबला क्यों, नाना का मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों, बाबा का बद्र क्यों नहीं, करबला, सहाबा का उहद क्यों नहीं, करबला क्यों, मौला अली का खैबर क्यों नहीं, करबला क्यों, करबला क्यों? सवाल नबी के दीन का, मामला काबे की अजमत की, एजेंडा रसूल की शरीयत का, मसला नमाज की फर्जियत और असलियत का, तो हुसैन मक्के में क्यों नहीं, करबला में क्यों, मदीने में क्यों नहीं, करबला में क्यों, खैबर में क्यों नहीं, करबला में क्यों, बद्र में क्यों नहीं, करबला में क्यों, जुमन में क्यों नहीं, करबला में क्यों? तो जवाब मिलेगा। ये सवाल मुझसे क्यों पूछते हो? है है है, तवज्जो चाहो,
बोलोगे तो बोलूंगा। देखो बलियावी से तकरीर करानी पड़ती है, स्टेज थोड़ा सा स्टेज हसास होता है तो नकात निकलते हैं। अब चूंकि वादा किया था तो आगे हाँ तो मोहब्बत से बोल दो, बोल दो। मक्के में क्यों नहीं, करबला मदीना क्यों नहीं, करबला बद्र क्यों नहीं, करबला ओहद क्यों नहीं, करबला। अच्छा एक बात बता दो, इसको क्लियर कर दो, एक छोटी सी गुफ्तगू ऐड कर कर। इस वक्त ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं? अरे बोलो ना। पहले तुम्हारे सादे कबीरास के इलाके में तीन मंजिला चार मंजिला मकान दिखता था? अरे बोलो ना, दिखता था। बड़ी मुश्किल से अगर किसी का छत वाला मकान हो तो लोग बोलते थे इस इलाके का बड़ा आदमी, यही बोलते थे। अरे जोर से बोलो, दिल लगाओगे तो नतीजा आएगा। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला का। लेकिन सुनोगे तब, देखा कि इसी मालदा में, मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में, चेन्नई में, हैदराबाद में, पटना में 20 मंजिला बिल्डिंगें, 25 मंजिला बिल्डिंगें, 30 मंजिला बिल्डिंगें, 100-100 मंजिला बिल्डिंगें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं? एक बिल्डिंग बनाने वाले से मैंने कहा कि चल मैं तुझको फ्री में जमीन दूंगा, एक बिल्डिंग बना दे 20 मंजिला। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला का। काश बच्चों के बीच आज हमें नहीं बैठा ले होते, कुछ बाहोश लोगों के बीच तो ये गुफ्तगू जमाने तक याद रखे। मोहब्बत से बोल दो, सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं रंग में बोल दो, सुभान अल्लाह। जैसे ही मैंने कहा उस बड़े इंजीनियर से कि चल मैं तुझे जमीन देता हूं फ्री की, एक 20 मंजिला बिल्डिंग बना दे, जैसे ही आया वैसे मैंने नदी के किनारे की जमीन दिखा दी, मैंने कहा यहां बना, बिल्डिंग बनाने वाला बोल पड़ा कि हर बिल्डिंग हर जगह नहीं बनाई जाती। कब बोलोगे यार, कब बोलो तवज्जो। अरे बोल बोल जोर से, सुभान अल्लाह। हर बिल्डिंग हर जगह नहीं बनाई जाती, बलियावी इस नदी के किनारे तुम फ्री जमीन के साथ बिल्डिंग बनाने का पैसा दोगे तब भी नहीं बनाऊंगा। प्लीज छोड़ दो उसको, मेरी 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 फिक्र मत करो, आप बैठ जाओ, बस 10-20 मिनट सुन लो, वही मेरे लिए बहुत है। क्या मैं फ्री जमीन देकर बिल्डिंग बनाने का पैसा दोगे तब भी नहीं बनाऊंगा? मैंने कहा क्यों? बोला बना देने के बाद रहने वालों की कोई गारंटी नहीं कि लोग सुरक्षित रह सके, इसलिए कि मिट्टी इस लायक नहीं थी कि 10 मंजिला ऊंची इमारत बन सके। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? तो जवाब मिलेगा मेरे आका हुसैन की तुर्बत से। इस्लाम से ऊंची कोई इमारत नहीं होगी तो करबला से मजबूत कोई मिट्टी भी नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहंशाह खिलाफत, सुभान अल्लाह। बीच से कोई खड़ा होकर नारा लगा, किसी को याद है तो अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली,